पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। आज हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 का अध्ययन करेंगे। पास्का बेखमी रोटी का पर्व निकट था। महायाजक और शास्त्री ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु वे जनता से डरते थे। उस समय शैतान यूदस में घुस गया। यूदस इस्कारियोती कहलाता था और बाहरों में से एक था। उसने महायाजकों और मंदिर आरक्षी के न्यायकों के पास जाकर उनके साथ यह परामर्श किया कि वह किस प्रकार ईसा को उनके हवाले कर दे। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया। यूदस सहमत हो गया और वह जनता के अनजान में ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमी रोटी का दिन आया जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाना आवश्यक था। ईसा ने पैत्रुस और योहन को यह कहते हुए भेजा, जाकर हमारे लिए पास्का भोज की तैयारी करो। उन्होंने ईसा से पूछा, आप क्या चाहते हैं, हम कहाँ की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में आने पर तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलना और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहना, गुरुवर ने आपको कहला भेजा है, अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूँ, और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वही तैयार करना। वे चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूर्ण ना हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज्य ना आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला लिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, देखो मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में कौन यह काम करने वाला है। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में किसको सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा का निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटे जैसा बने और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने।
आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे, मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। पैत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु ईसा ने कहा, पैत्रुस मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बाग देने से पहले ही तुम 3 बार यह अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। ईसा ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली झोली और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इस पर ईसा ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्मग्रंथ का यह कथन मुझ में अवश्य पूरा होगा, उनकी गिनती कुकर्मियों में हुई और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु देखिए यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु ईसा ने कहा, बस बस। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए, उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहाँ पहुँचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, पिता यदि तू चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको धारस बंधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। ईसा यह कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुआ था। उसने ईसा के पास आकर उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, यूदस क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? ईसा के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है उनसे कहा, प्रभु क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु ईसा ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ, और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक
मंदिर आरशी के नायक और नेता ईसा को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधकार का बोलबाला है। तब उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। पैत्रुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उनके चारों ओर बैठ रहे थे। पैत्रुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पैत्रुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ा कर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पैत्रुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में एक हो? पैत्रुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़ता पूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था, यह भी तो गलीली है। पैत्रुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पैत्रुस की ओर देखा। तब पैत्रुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बाग देने से पहले ही तुम मुझे तीन बार अस्वीकार करोगे, और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। ईसा पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करते थे। वे उनकी आँखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा? वे उनका अपमान करते हुए उनसे और बहुत सी बातें कहते रहे। दिन निकलने पर जनता ने नेता महायाजकों और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने ईसा को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूँगा तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सब के सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप लोग ठीक ही कहते हैं, मैं वही हूँ। इस पर उन्होंने कहा, हमें और गवाही की ज़रूरत ही क्या है? हमने तो स्वयं इसके मुँह से सुन लिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु।